नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम मीन राशि वालों के लिए, जैसे कि वीडियो का टाइटल है शनि महाराज, विशेष तौर पर मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, विशेष तौर पर मीन राशि वालों के लिए शनि महाराज जो है वो ट्रिपल डोज का आपको इंजेक्शन, एक जिसको कहते हैं, या आपके लिए एक तरह से बूस्टर का काम करने वाले हैं। इतनी जबरदस्त परिस्थितियों में शनि महाराज 4 नवंबर के बाद आएंगे, और वैसे तो ये गोचर सभी राशि वालों के हिसाब से हो रहा है कि शनि महाराज जो है वो मार्गी स्थिति में हो गए हैं, परंतु मीन राशि वालों के लिए क्यों इतना विशेष है, क्यों मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया कि ट्रिपल बूस्टर आपको लग गया है, ट्रिपल डोज इंजेक्शन की, या आपकी जो ग्रहों की गति है, जो भाग्य का जो आपको धक्का है, वो कितने तीव्रता से समय लगने वाला है। और ये जो समय आपको मैं बताने वाला हूँ वो लगभग 24 नवंबर तक आप ये विशेष परिस्थिति इसको मान के चलिए। तो 4 नवंबर की रात्रि 10:33 पर जैसे ही शनि महाराज मार्गी स्थिति में आएंगे, और 24 नवंबर तक जो ये परिस्थिति रहने वाली है, क्या आपको जबरदस्त लाभ देकर के जा सकती है अगर आप इस परिस्थिति का सही से इस्तेमाल कर लें, तो ग्रह इस समय पूर्ण रूप से बलशाली हैं, गोचरीय स्थिति बहुत उत्तम है। कारण क्या बनता है वो मैं आपको वीडियो में समझाता हूँ, और लगभग आप ये मान के चलिए आगे जो 100 दिनों तक, 100 डेज का जो आगे समय है, उसके 11 फरवरी तक, जी हाँ 11 फरवरी तक जो है वो लगभग 100 दिनों के समय में शनि महाराज उदय स्थिति में रहेंगे, उसके बाद ये अस्त हो जाएंगे, और फिर जा करके ये 17 मार्च को उदय हो जाएंगे। तो वो थोड़े से दिन है अस्त के, लेकिन उससे पहले भी ये उदय स्थिति में है। परंतु आज जो 24 दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, 4 नवंबर से लेकर के 24 नवंबर का, वो आप उसको समझिए कि वो क्यों परिस्थिति आपके लिए बन रही है, और क्यों मैं ये वीडियो आप मीन राशि वालों के लिए बना रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला कारण तो ये बन रहा है कि शनि महाराज मार्गी हो गए हैं, ठीक है, एक बात होगी। उसके अलावा शनि महाराज आप देखिए इस समय किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनि महाराज इस समय धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और धनिष्ठा नक्षत्र की 2 टांगे, 2 पद जो होते हैं वो कुंभ राशि में होते हैं, 2 मकर राशि में होते हैं। तो दोनों ही राशियों को संबंध एक तरह से शनि का ये जोड़ देते हैं, आप इसको नोट कीजिएगा। उसके अलावा धनिष्ठा नक्षत्र, जैसे मैंने आपको कहा कि मंगल का नक्षत्र है, आप मंगल का कोई नक्षत्र है तो मंगल के नक्षत्र तो सभी के लिए हो रहा है, परंतु आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, जहां पर 1 नंबर लिखा है वो आपका धन स्थान होता है, और जहां पर 8 नंबर लिखा है वो आपका भाग्य स्थान होता है, भाग्य, धर्म, ज्ञान, जप, तप, और पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का फल जो होगा वो 8 स्थान से होगा, भाग्य का साथ होता है, पिता का साथ मिलता है, सन्मार्ग में व्यक्ति चलता है, सद्बुद्धि होती है, और व्यर्थ का कोई उसको झंझट या परेशानी नहीं होती, वो है आपका 9वां स्थान जहां पर 8 नंबर लिखा है, और इन दोनों ही भाव का स्वामी होता है मंगल। अब शनि महाराज मार्गी स्थिति में इस नक्षत्र में जैसे ही गोचर करेंगे तो इन दोनों घरों को जो है वो ऊर्जा प्रदान करेंगे, और ये दोनों ही हाउस एक्टिवेट हो जाएंगे, नक्षत्रों का यही खेल होता है। उसके अलावा तीसरी विशेष परिस्थिति जो बनने वाली है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जबरदस्त परिस्थिति है, वो है नवांश का खेल। जी हाँ, इस समय शनि महाराज धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में गोचर कर रहे हैं, और वो चरण होता है वृश्चिक नवांश 8 नंबर, और 8 नंबर आपके कहां लिखा है आप देखिए, वो आपके 9th हाउस में है, 9वें स्थान में लिखा है 8 नंबर। तो नवांश भी आपका बहुत अच्छा इस समय शनि महाराज भोग रहे हैं। तो शनि की इतनी जबरदस्त परिस्थिति यहां बन रही है, और ये शनि जो है कहीं ना कहीं गुरु के साथ भी संबंध बना रहे हैं, क्योंकि गुरु महाराज आपके मंगल की राशि में बैठे हैं, और शनि महाराज शनि मंगल के नवांश में है, और मंगल के ही जो है वो नक्षत्र में है। तो ये जबरदस्त परिस्थिति शनि और बृहस्पति को भी साथ में जोड़ती है। उसके अलावा जो विशेष परिस्थिति मैं आपको कह रहा हूं, ये नवांश की वजह से है और नक्षत्र की वजह से है, और धनिष्ठा नक्षत्र खास तौर पर जो होता है इसकी, जैसे मैंने कहा कि 2 चरण आपके मकर राशि में है और 2 चरण कुंभ में है, तो दोनों ही शनि की राशियों को ये नक्षत्र जोड़ता है, इसलिए ये आपके लिए गोचर बहुत जबरदस्त, बहुत शुभ लाभ लेकर के आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि शनि महाराज इस समय एक डायनामाइट का काम कर रहे हैं, और ये डायनामाइट आपके जो भाग्य के दरवाजे पर, या भाग्य की रूपी जो एक सुरंग थी उसके मुख पर राहु जैसा एक पाषाण या पत्थर बैठा हुआ था, जो आपके भाग्य का प्रकाश बाहर फैलने ही नहीं दे रहा था, आपके जीवन में धन का अभाव बना के रखा था, किसी की मदद, किसी को भी आप मदद की गुहार लगा रहे थे वो मदद के लिए नहीं आ रहा था,
ना वो कोई मदद आपको मिल रही थी किसी भी रूप में, चाहे आर्थिक रूप से मदद हो, चाहे आपको सामाजिक रूप से मदद हो, या उसके बाद इमोशनल लेवल पर कोई भी किसी भी तरह से आपका कोई साथ नहीं दे रहा था। कारण उसका था राहु। राहु ने देवगुरु बृहस्पति को भी जो है वो अपने शुभ प्रभाव देने से रोक रखा था। तो अब जैसे ही शनि मंगल की राशि, मंगल के नक्षत्र में और मंगल के ही नवांश में गोचर कर रहे हैं, और वो है मार्गी स्थिति में होने की वजह से, तो अब इस डायनामाइट से जो राहु रूपी पत्थर है वो भी हट जाएगा और उसको वहां से प्रकाश जो है वो आपके जीवन में इस समय जो है वो नजर आएगा। और इस गोचर का जो विशेष तौर पर प्रभाव रहने वाला है, आप देखिएगा जो आपकी आर्थिक परिस्थितियां जो खराब चल रही थी, धन संबंधी मामलों में रोजगार नहीं मिल रहा था, नौकरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि शनि महाराज जो होते हैं वो कर्म के कारक होते हैं। और जैसे मैंने कहा कि धनिष्ठा नक्षत्र का जो संबंध है वो मकर राशि से भी है, तो मकर राशि कालपुरुष कुंडली के दशम स्थान में होती है, हमारे कर्म कार्य क्षेत्र कार्य व्यवसाय के बारे में बताती है। जो भी हम कार्य करने के लिए हम डेस्टिन्ड होते हैं, जो हमारे पूर्व जन्म में हमको कहा जाता है, ये जो हमारे प्रारब्ध स्वरूप है कि इस क्षेत्र में अगर हम कार्य करें तो हम सफल हो जाए, वो दशम भाव से मालूम होता है। तो वही परिस्थिति इस समय अब शनि महाराज आपके लिए खड़ी कर देंगे। काम धंधा कार्य व्यवसाय प्रोफेशन आपका अभी इन 20 दिनों में कोई ना कोई आपको जरूर कोई मार्ग मिलेगा। परिस्थितियां बहुत शुभ है, गोचर बहुत अच्छा लगा है, सिर्फ आपको थोड़ा सा उसमें चलना है, थोड़े प्रयास तो आपको भी करने पड़ेंगे। ग्रहों की स्थिति इस समय बहुत अच्छी है, मैं आपको ये कह सकता हूँ। शनि का गोचर विशेष तौर पर आपके लिए बहुत लाभकारी है। राहु वहां से चले गए हैं और देवगुरु बृहस्पति की राशि में है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि राहु महाराज को, या राहु एक ऐसा हाथी है जिसको कंट्रोल करना हो तो उसके लिए महावत जो चाहिए वो देवगुरु बृहस्पति होता है। विष्णु ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इस गज और ऐसे इरावत को। तो वो जो परिस्थिति है वो अब बृहस्पति की राशि में जैसे ही जाएंगे तो राहु रूपी जो गज है वो कंट्रोल में आ जाएगा आपका। तो इसकी जो शरारतें आपके जीवन में, जो आपको व्यर्थ की परेशानियों में डाल देता है, व्यर्थ के खर्चे, जब ही खर्चे खत्म होने लगते हैं, कोई नया आपको लिए खड़ा कर देता था, कोई नया झंझट, कोई नई परेशानी हो जाती थी, कोई बीमारी पे खर्चा हो जाता था, या अपमान की स्थिति तक आपको देखनी पड़ी, नौकरी तक जाने की परिस्थितियां राहु ने आपके लिए खड़ी कर दी थी। परंतु अब जो ये 20 दिन है ये आपके लिए बहुत विशेष तौर पर है, और जो 100 दिन 100 डेज जो मैंने आपको कहा, शनि महाराज जब तक उदय स्थिति में है, ये आपका मैंने आपको कहा 11 फरवरी तक, तो वो स्थिति शनि की बहुत उत्तम बनी हुई है, आपको ये बहुत अच्छे परिणाम देकर के जाएगी। और जो शनि की दृष्टियां होती है, मैंने कहा कि उन शनि की दृष्टियों में ही दुष्प्रभाव होता है, शनि अपनी दृष्टि की वजह से दुष्प्रभाव देते हैं व्यक्ति के जीवन में। तो इसलिए जो उससे पहले जिसकी दृष्टि राहु पर थी, तो राहु को भी इन्होंने जो है वो प्रज्वलित कर रखे रखा हुआ था बुरी इफेक्ट देने के लिए, परंतु अब राहु वहां से चले गए हैं तो शनि की दृष्टि का भी जो है वो दोष अब आप पे खत्म हो गया है। तो ये परिस्थितियां जो इस समय बन रही है मीन राशि वालों के लिए, अगले 20 दिन 24 नवंबर तक, जब तक ये धनिष्ठा नक्षत्र में है, उसके बाद ये शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, वो भी इनका अपना ही मित्र का नक्षत्र है, तो वहां पर भी अचानक लाभ की परिस्थितियां जो है वो आपको बनती हुई नजर आएंगी 24 नवंबर के बाद। जैसे जैसे ये आगे उस नक्षत्रों को भोगेंगे मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, परंतु मैं आपको एक सूत्र देना चाहता हूं। जो लोग बीमार हैं, जो दवाई का सेवन करना चाहते हैं, किसी समय कौन से समय में दवाई का सेवन करें उसका भी ज्योतिष में विधान बताया गया है। एक तो सबसे पहले जब भी चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में हो उस समय जो है वो दवाई का सेवन करना चाहिए, कोई भी मेडिसिन हो उस समय कीजिए। अश्विनी नक्षत्र का मतलब है चंद्रमा जब मेष राशि में गोचर कर रहा हो। उसके अलावा अगर रोग फिर भी ठीक नहीं हो रहा हो तो उसका वर्णन किया गया ज्योतिष शास्त्र में कि वो दवाई जो है वो शतभिषा नक्षत्र में अगर कोई व्यक्ति लेता है या कोई ऑपरेशन के लिए जाना है, शतभिषा नक्षत्र का मतलब है 100 हीलर्स, शत सौ वैद्यों के बराबर उसका बल होता है, तो रोगों को उस समय वो बिल्कुल ठीक कर देता है। तो ये बहुत ही अच्छा नक्षत्र होता है शतभिषा नक्षत्र, मेडिसिन लेने के लिए, रोगों को ठीक करने के लिए। और उस समय में कोई जड़ी बूटी तोड़ने का विधान भी ज्योतिष में लिखा गया था, जो दवाई के रूप में जड़ी बूटियां तोड़ी जाती थी वो शतभिषक नक्षत्र में जब चंद्रमा का गोचर होता था उसमें उसको किया जाता था, और औषधि का सेवन भी उसी में किया जाता था। अब क्योंकि शनि महाराज इस समय धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो उपाय स्वरूप मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको जो है वो ये संकीर्तन का नक्षत्र है, मतलब इकट्ठे जो एक ग्रुप में प्रोसेशन में जो गायन होता है या वादन होता है, तो जैसे कीर्तन करते हैं जो बहुत सारे लोग एक साथ मिल करके कोई प्रेयर कर रहे हैं, तो एक तो आप कीर्तन में पार्टिसिपेट कीजिए जहाँ बहुत सारे लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, उसमें जाने से धनिष्ठा नक्षत्र को बल मिलता है। उसके अलावा
ये नक्षत्र ड्रमर्स का है, जो मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, म्यूजिक के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं, आप देखिएगा उनको कोई ना कोई खुशखबरी इस समय जो मीन राशि वाले हैं और जो म्यूजिशियंस हैं उनको यहाँ पे मिलेगी, या म्यूजिक से रिलेटेड कोई अवार्ड है, या म्यूजिक से रिलेटेड कोई बड़ा इवेंट इस समय शनि महाराज करवा सकते हैं। उसके अलावा इस नक्षत्र को बल प्रदान करने के लिए आपको जो है वर्तमान में अष्टवसु, जो अष्टवसु है जो हमारी 8 डायरेक्शंस है, अगर हम आकाश और पाताल को छोड़ दें तो जो 8 डायरेक्शंस बचती हैं, क्योंकि अन्यथा 10 दिशाएं हैं, परंतु जो अष्ट दिशाओं के स्वामी बताए गए हैं अष्टवसु, उनकी आराधना करने से धनिष्ठा नक्षत्र प्रसन्नचित हो जाता है। और शनि इस महाराज इस जो जब तक यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो अगर आप अष्टवसुओं की आराधना करते हैं किसी भी रूप से, उनको जो है वो मंत्रों से, जप तप से जो है वो खुश रखते हैं, तो शनि आपको जो है वो बहुत अच्छे और परिणाम दे सकते हैं। ट्रिपल डोज वैसे ही शनि महाराज इस समय दे रहे हैं, और आपके मार्ग में जो आपके भाग्य के स्थान पर जो पाषाण रूपी राहु का डेरा था उसको वहां से वो हटा देंगे, और जीवन में आपके प्रकाश इस समय देखने को मिलेगा। तो ये था मीन राशि वालों के लिए शनि महाराज का धनिष्ठा नक्षत्र में मार्गी स्थिति में गोचर, उस पर एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।